हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है सुशील दोस्तों, और ये हमारा पांचवा सेशन है। इसके अंदर मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कुछ बेहतरीन 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। मैं थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में आपको बता देता हूँ। नेहा मलिक मैम है इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम है वोकैब के लिए, और नीतू मैम है जनरल स्टडीज़ के लिए। आप इन सभी को जानते हैं, बेहतरीन एजुकेटर्स हैं, अकेडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं। आप इनसे पढ़कर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी टीम है बदूनी सर हैं, पवन राव सर हैं, काशिफ अंसारी सर हैं, सरफराज सर हैं। इन सभी टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं अकेडमी प्लस पर। दोस्तों, ये जो सेशन मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने, इसका मेन मकसद है आपको 30 out of 30 स्कोर करवाना आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, ठीक है? और मुझे यकीन है अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो इसमें हम कामयाब होंगे। ये मेरे बारे में कुछ एक पॉइंट्स है दोस्तों, ठीक है? मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, 1 लाख से ज़्यादा एजुकेटर्स को मैंने पढ़ाया है, लर्नर्स को, और मैंने खुद काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं जिसके अंदर CGL और CPO और टेरिटोरियल आर्मी वगैरह इंक्लूडेड है। टेलीग्राम ऐप पर डाउनलोड करके, टेलीग्राम ऐप को आप ये URL डालकर, ये जो आपको ये बॉक्स में जो दिखाई दे रहा है, ये URL डालकर आप हमारा जो अनअकैडमी प्लस का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, उसको URL को उसमें टाइप करिए और उस पर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है? तो दिस इज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप इसको iOS से या एंड्रॉयड से, दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। ये iOS पर भी अवेलेबल है और ये एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों? आप अगर रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर आप रेलवे की कैटेगरी को सेलेक्ट करिए, ठीक है? और फिर उसके बाद आप जो भी कोर्स खरीद रहे हैं उसके बेनिफिट्स देखते हुए, ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, फेवरेट टीचर्स से पढ़ सकते हैं, डाउट सेशन होते हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड एजुकेटर से पढ़ सकते हैं सेम कैटेगरी वाले, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, आप डाउट्स पूछ सकते हैं क्लास में, और आप ऑफलाइन क्लासेस भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। अगर आप कोई कोर्स खरीद रहे हैं तो आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ करिए, विच इज़ Rajput10। ओके, मेरा कोड क्या है? Rajput10, इसको मत भूलिएगा दोस्तों, ज़रूर प्लीज़ Rajput10। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द सेकेंड अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर। तो 40% ऑफ अ नंबर, क्या मान लें, x मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ अनदर नंबर, उसको क्या मान लें, y मान लेते हैं, ठीक है? सो 2/5 ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ y, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, एंड x बाय y इज इक्वल्स टू 3/2, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2, 3:2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3:2, 3:2। तो बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर दिया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डिवीजन ऑफ द नंबर 455 इन द रेशियो 4:3 विल बी। अब देखिए 4:3 में डिवाइड करना है, आप ये देखिए 4:3, आप क्या करिए, इन्हीं को नंबर मान के इनको जोड़ लीजिए, 4 और 3 कितना हो गया भाई, 7, जबकि 7 की वैल्यू कितने के बराबर है, 455 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7×6 = 42, 3×5 = 35, 7×5 = 35, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 65। तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4×65, 4×5 = 20, 0×2 6×4 = 24 और 2×26 कितना, 260। और 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 65 के हिसाब से, 3×5 = 15, 5×1 = 18 और 1×19 कितना आ जाएगा, 195, और यहाँ कितना आ जाएगा, 260। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर
बी 260 और 195 है। तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है द प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग एन आइटम ऑफ कॉस्ट प्राइस रुपीज 1650 इज रुपीज 210, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस, अगर आपको लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस लॉस होता है आपका सेलिंग प्राइस, और अगर आप वस्तु को डिस्काउंट पर बेच रहे हैं तो एमपी माइनस डिस्काउंट होता है क्या सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां पर आपकी वस्तु का सीपी कितना है 1650, ठीक है, उस पर आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है 210 का, तो ये जो आपका एसपी होगा सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 0681, कितना 1860 रुपये, 1860 रुपीज़। सो द सेलिंग प्राइस इज 1860 रुपये। ये जो मैंने आपको बताया इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में बोल रहा है वंदना सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 3240 एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब मैं परसेंटेज के केस में आपको बताता हूँ। जैसे देखो मान लो आपको 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है, इस क्वेश्चन को छोड़िए एक बार पहले कंसेप्ट को सुनिए, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6 होता है, 1/6। इसका मतलब है अगर उस वस्तु का सीपी 6 रुपये है तो आपको उस पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 6 पर 1 का लाभ, यानी आप वस्तु को कितने में बेचेंगे 7 में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर मान लो आपको लॉस हो रहा है, ठीक है 20% का लॉस हो रहा है, 20% कितना होता है 1/5, मतलब अगर 5 रुपये सीपी है तो उस पर आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा है, 5 पर 1 का लॉस, तो वस्तु कितने में बेचेंगे आप 4 में, तो 4 रुपये उसका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। मान लीजिए आपको डिस्काउंट हो रहा है 10% का, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10, यानी अगर सीपी 10 रुपये है तो आपको उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है, 10 पर 1 का डिस्काउंट, यानी वस्तु कितने में बेचेंगे आप 9 रुपये में, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा 9 रुपये, सॉरी ये सीपी नहीं होगा एमपी होगा, मार्क प्राइस, डिस्काउंट मार्क प्राइस पर होता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है प्रॉफिट कमा रहा है 20% का, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, 20% कितना होता है भाई 1/5 होता है, मतलब 5 रुपये अगर सीपी है तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, 5 पर 1 का प्रॉफिट, यानी वस्तु कितने में बेच रहा है 6 रुपये में बेच रहा है, जबकि वस्तु 6 में नहीं बेच रहा भाई, वो 3240 रुपये में बेच रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 पंजे 30 और 6 चौके 24 और 0 540, तो 5 यूनिट की वैल्यू 540 के हिसाब से देख लो आप, 0 5 चौके 20 की 0 2 5 पंजे 25 और 2 27, कितना आ गया 2700। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो इसके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4500 बिकम रुपीज 77400 ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 8 ईयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए कितना प्रिंसिपल कितना था 45,000 रुपये, अमाउंट कितना बन गया 77,400 रुपये। आप ये देखिए डिफरेंस कितने का आया, 5 और 27 32,400 रुपये का, भाई ये 32,400 रुपये का डिफरेंस कितने साल में आया 8 साल में, तो आप ये देखिए 1 साल में कितने का आया 8 चौक 32 जीरो, 8 पंजे 40 जीरो, 4,050 रुपये का, ये 1 साल का 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, तो 4,050 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है, कितने रुपए पे लग रहा है 45,000 रुपये पे लग रहा है, प्रिंसिपल कितना है 45,000 रुपये,
गुणा में क्या कर देंगे 100, ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, आप इसको 45 से काटेंगे ये 9 पे चला जाएगा पूरा, तो आंसर कितना आ जाएगा 9%, तो आंसर इज 9%। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज हर एक वर्ष का बराबर रहता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एवरी ईयर इज ऑलवेज सेम। साधारण ब्याज हर एक वर्ष का क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स एट 8% पर एनम। तो 5000 रुपये पर 8% की दर से, 8% से, देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। 5000 पर 8/100, 8/100, 5000 पर आप 8/100 की दर से ब्याज लगाइए, 0 से 0 कट जाएंगे, 8 × 40 कितना आ जाएगा 400, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 400, ठीक है। फिर 400 पर आप 8/100 लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 8 × 4 = 32, 32, तो आप टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 400 प्लस में 400 प्लस में 32, ये कितना आ जाएगा 832 रुपये, ठीक है भाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज यही होता है, पहले प्रिंसिपल पे लगता है, उसके बाद फिर प्रिंसिपल पे लगता है, उसके बाद जो लग चुका है उस पर लगता है, प्रिंसिपल पर ब्याज, प्रिंसिपल पर ब्याज दूसरे साल में, और दूसरे साल में पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज, तो कितना हो जाएगा 832 रुपये हो जाएगा, 832। और दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक रिलेशन होता है छोटा सा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल, समझ पा रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू हमारी 8 ही होगी, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ रखूँ इसको तो 8 + 8 + 8 × 8/100% ऑफ प्रिंसिपल। अब आप यहां पर इसकी वैल्यू निकाल के प्रिंसिपल से इसका परसेंटेज निकाल देंगे, यही आएगा 832 रुपये। नेक्स्ट भी देखिए क्या कह रहा है कि 26 आदमी 26 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 17 डेज। 26 आदमी किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, 26 आदमी 17 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी हायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 13 डेज, तो कितने आदमी और लगाने होंगे, देखो इसने और बोला है तो चलो इसको एक बार M2 लिख लेते हैं, M2 इंटू कितने दिन में करने के लिए, 13 दिन में करने के लिए, तो 13 से ये 26 दो पे कट जाएगा, तो 17 × 34, तो नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन द सेकेंड शिफ्ट कितना जाएगा 34, इसमें से 26 आदमी तो पहले ही काम कर रहे थे, तो नए आदमी कितने आपने हायर किए 8, ठीक है, तो आपने नए आदमी कितने हायर किए हैं 8, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ पा रहे हैं बात को। नेक्स्ट में कह रहा है एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म को 120 सेकंड में पार कर लेती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखिए जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो लंबाई होती है वो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई से मिलके बना करती है, यहाँ पे सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, ट्रेन की लंबाई तो दे ही नहीं रखी है, जब ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी है तो फिर स्पीड कैसे निकाली जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता, आंकड़े अधूरे हैं। नेक्स्ट में कह रहा है लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है 7:6, एल रेशियो बी इज 7:6, तो आप लेंथ और ब्रेड्थ को मान लीजिए 7x एंड 6x, ओके, तो आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर दे रखा है 208, पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7x + में
सिक्स एक्स प्लस में सेवन एक्स प्लस में सिक्स एक्स कितना हो जाएगा, अट्ठाईस एक्स, सात और छः तेरह, सॉरी छब्बीस होगा, छब्बीस एक्स, छब्बीस एक्स की वैल्यू है 208, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, इसको 208 को आप 26 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। अब अगर 8 है तो लेंथ और ब्रेड तो जाएंगे आपकी 7x मतलब 56, 6x मतलब 48, एरिया आ जाएगा 56 गुणा में 48, ठीक है, 56 गुणा में 48 निकालेंगे, ये आ जाएगा 2688 मीटर स्क्वायर, 2688 मीटर स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 7.7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, डायमीटर कितना है 7.7 सेंटीमीटर, तो अगर डायमीटर 7.7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7.7 बाय में 2, और सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है, यहाँ रखिए 2 गुणा में 22 बटे 7 गुणा में आर, 7.7 अपॉन में 2, ठीक है, तो आप 7 से 7.7 को 1.1 पे काट देंगे, 2 से आप इसको 11 पे काट देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 121 अपॉन में 5, 121 बटे 5, इसको सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौके 20.2, 24.2, 24.2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है अमंग 132 एग्जामिनीज ऑफ अ सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ द सक्सेसफुल टू द अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स इज 9:2, हैड 4 मोर स्टूडेंट्स पास्ड देन द रेशियो ऑफ द सक्सेसफुल टू द अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स विल बी, पहले तो भाई जो ये 132 दे रखे हैं इसको आप 9:2 में बांट लीजिए, 9:2 में, 9 और 2 11, 11 की वैल्यू 132, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 1 की वैल्यू 12 है तो 12 निम्न में 108 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो इसकी संख्या हो जाएगी 108 और ये 24, तो ये 108 जो है ये तो सक्सेसफुल है मतलब पास्ड है और ये जो है ये 24 ये हैं फेल हैं। अब वो ये कह रहा है कि सॉरी कि भाई ये जो पास्ड हैं 108 और जो फेल हैं 24, अगर चार और पास हो गए होते हैं, इसमें चार जोड़ दो भाई कितने हो गए 112, और फेल कितने हैं, फेल तो अभी भी 24 के 24 ही हैं, तो आप अगर इसको काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 से कट रहा है क्या, नहीं 6 से नहीं कट रहा है, 4 से काटिए, 4 से कट रहा है, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 2 जा और फिर 4 8 32 और ये कितना आ गया 6, फिर आप इसको 2 से काटेंगे तो 14 और 3 अनुपात कितना हो जाएगा 14:3 हो जाएगा, ठीक है 14:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट सवाल में आपसे ये कह रहा है कि भाई रेशियो था जो ऑफिसर का और सोल्जर्स का वो कितना था 3:31, आप इसको 3x और 31x मान लीजिए, 3x एंड 31x, तो 3x और 31x, ठीक है ये रेशियो था। अब वो एक बैटल में 6 तो ऑफिसर मर गए और 22 सोल्जर मर गए, तो 3x में से 600 माइनस हो गया और 31x में से 22 माइनस हो गया, और फिर अब रेशियो कितना आ गया 1:13 आ गया, 1:13 आ गया, तो आपको बताना था कि ऑफिसर कितने थे पहले,
बैटल के अंदर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू आ जाने वाली है 7। और अगर एक्स की वैल्यू 7 है, जैसे मैं आपको अगर करके दिखाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए 13 3 39 एक्स माइनस 13 6 78 बराबर 31 x - 22। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 x बराबर -22 + 78। ठीक है भाई, तो इसमें से आप 78 में से 22 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 68 58 56। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7। मैंने कहा था ना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब वो ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर कितने थे, 3। 3 x की वैल्यू निकालनी है, 7 3 21, तो कितने ऑफिसर थे भाई, 21। स्टार्टिंग में पूछ रहा है तो स्टार्टिंग में थे 21 ऑफिसर आपके। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए और बी ने एक जॉइंट बिजनेस शुरू किया। ठीक है, ए ने 3 गुना पैसा लगाया बी से। तो देखो, ए बी, ए ने 3 रुपए लगाए तो बी ने 1 रुपया लगाया। उसके बाद कह रहा है एंड द टेन्योर ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय ए वाज आल्सो 2 टाइम्स देन ऑफ बी। तो ए ने 2 गुने समय के लिए लगाया, 2 and 1। ठीक है, एंड आगे क्या कह रहा है, इफ बी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4,000 देन द टोटल प्रॉफिट। अब देखिए 3 2 6 और 1 1 1। भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पार्टनरशिप का सवाल है, पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट पड़ता है वो आपने जितना पैसा लगाया उस हिसाब से ही बटा करता है हमेशा। ठीक है, जितना पैसा लगाया और जितने समय के लिए लगाया, समझ रहे हैं, जो आपने पैसा लगाया है और जितने समय के लिए लगाया है वो उसके हिसाब से ही डिवाइड होगा हमेशा। तो भाई यहां पर ये आपका कितना बन गया, 6, ये आपका कितना बन गया, 1। और 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 4,000। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,000। तो 6 की वैल्यू 4,000 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 24,000। तो 1 का प्रॉफिट होगा 24,000, 24 और 4 टोटल कितना हो जाएगा, 28,000। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपना, 28,000 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 15 मूवी थिएटर्स हैविंग एवरेज 600 कस्टमर्स पर थिएटर पर डे। तो 15 मूवी थिएटर्स में एवरेजली कितने कस्टमर हैं, 600। ठीक है, तो 15 6 90 कितने हो जाएंगे, 9,000 हो जाएंगे, 9,000। अब उसके बाद कह रहा है 6 ऑफ द थिएटर्स क्लोज डाउन बट द टोटल थिएटर अटेंडेंस स्टेज द सेम। तो अब एवरेज कितनी हो जाएगी, अब देखिए अटेंडेंस अभी भी 9,000 है और 15 में से 6 थिएटर बंद हो गए, यानी थिएटर कितने काम कर रहे हैं, 9। तो 9 थिएटर की अटेंडेंस है ना 9,000, तो 1 थिएटर की अटेंडेंस कितनी हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी आपकी, 1,000 हो जाएगी ना। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,000। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 45 kg। तो ए बी और सी का एवरेज वेट था 45 और टोटल हो जाएगा 45 गुणा में 3 135, 135। और उसमें एवरेज वेट ए प्लस बी का कितना दे रखा है, 40। तो टोटल हो जाएगा 40 गुणा में 2 कितना,
80, ठीक है, और बी प्लस सी का कितना दे रखा है 43, तो इसका एवरेज हो जाए, अब टोटल हो जाएगा इसका कितना 86 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का वेट आपको बताना था, अब देखिए ए प्लस बी का वेट कितना है 80, ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 135, मैं यहाँ ए प्लस बी की जगह 80 रख दूँ, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है मुझे 135, और ए प्लस बी कितना है 80, मैं यहाँ रख दूँ 80 प्लस में सी इज इक्वल्स टू 135, तो सी का वजन यहाँ से कितना जाएगा उधर ले जाएंगे, तो ये कितना जाएगा आपका 55, सी का वजन कितना आ गया 55। अगर सी का वजन 55 है, अब देखो बी प्लस सी का, यहाँ देखो लिखो बी प्लस सी कितना है 86, अब मैं सी का वजन यहाँ रख दूँ 55, तो बी प्लस 55 कितना आ गया 86, तो बी का वजन आ गया यहाँ से 86 माइनस 55, ओके, तो इसको माइनस करेंगे आप 5, 60, 26, 31 आ जाएगा 31, तो बी का वजन कितना आ गया दोस्तों अपना 31 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको ये 15 क्वेश्चंस करवाए जो बिल्कुल आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के ऊपर पैटर्न पे पूरा पूरा डिपेंड करते हैं, ठीक है। चाहे आप इनको इजी मान लीजिए, चाहे आप इनको डिफिकल्ट मान लीजिए, चाहे आप इनको लॉजिकल मान लीजिए, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपका यही पैटर्न आने वाला है, इसी लेवल के सवाल आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको वही बिल्कुल लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को करते रहिए अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझते रहिए इन सभी सवालों को दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपके सिलेक्शन में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और दोस्तों प्लीज़ 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 अगर आपने इस वीडियो को देखा है और 15 के 15 क्वेश्चन आपको वर्दी लगते हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने बेमतलब का या बेकार का नहीं करवाया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए हमारे सेशन के बारे में। हमारे एक दिन में 2 सेशन आते हैं, 30-30 मिनट्स के वो सेशन होते हैं, किसी सेशन में हम 10 क्वेश्चन लेके आते हैं और किसी सेशन में हम 15 क्वेश्चंस लेके आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ इन चीज़ों पर थोड़ा सा हेल्प करिए, सहयोग करिए हमारा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।